भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व सचिव, राष्ट्रीय चयनकर्ता और सबसे बढ़कर क्रिकेट गुरु आदरणीय संजय जगदारे सर हमारे बीच मौजूद हैं और मैं उन्हें प्रणाम करते बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि कल न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले आईसीसी 2019 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए वे हमारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए तैयार हुए। आदरणीय गुरु जी, जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लैंड की टीम उसी स्थिति में है जबकि सौरव गांगुली की टीम को चेज मास्टर कहा जाता था, तो आप ऐसा मानते हैं कि इसके बाद भी इंग्लैंड के लिए टॉस महत्वपूर्ण हो जाएगा? देखिए, टॉस का महत्व होता है पर इतना भी नहीं होता जितना हर बार हर मैच के पहले वगैरह रहता है। ये डिपेंड करता है कैसे क्रिकेट है, कैसे कंडीशंस हैं और कैसी टीमें खेल रही हैं, उन दोनों बराबरी की हैं कि बैटिंग साइड अच्छी है, बॉलिंग साइड अच्छी है, तो ये सब तो निर्भर करता है। और इंग्लैंड में टॉस महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता था कि वहाँ इंग्लैंड में छोटे समय में ही मौसम बदलता रहता है तो थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, किंतु लक फैक्टर भी रहता है टॉस में। जैसे आपने देखा होगा भारत न्यूजीलैंड मैच में आखिरी के 3-4 ओवर में पानी आ गया, तो ये चीजें इंग्लैंड में बहुत आम रहती हैं इंग्लैंड के मौसम में। सर, आप किस टीम को फेवरेट मानते हैं? देखिए, फेवरेट तो इंग्लैंड ही है क्योंकि देखा जाए तो सबसे संतुलित और सबसे गहरी बैटिंग लाइनअप दिखती है पूरे टूर्नामेंट की, और बॉलिंग भी उनका बैलेंस है, सब तरह का अटैक है, घरू उसका परिस्थितियों का उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। किंतु न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जिसके पास ऐसी गेंदबाजी है जो किसी भी अच्छी टीम को डिस्टर्ब कर सकती है, जैसा कि हमने सेमीफाइनल में देखा कि भारत की बल्लेबाजी को उन्होंने शुरू के 10 मिनट में ही 5 ओवर 5-7 4-5 ओवर में ही उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया और मैच को भारतीय टीम को पूरे टाइम दबाव में ही बना के रखा। सर, जैसा कि हमने देखा 1992 वर्ल्ड कप में लैथम और मार्क ग्रेटवेज ने स्लॉग जो शुरू के ओवर होते हैं मैंडेटरी पावर प्ले होता है 10 ओवर का, उसमें उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। फिर हमने 1996 वर्ल्ड कप में देखा सनत जयसूर्या और रोमेश कालूवितरणा, उन्होंने पहले 10 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। यदि हम 2003 वर्ल्ड कप के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने दुनिया के सभी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी थी। आप ऐसा मानते हैं कि इस वर्ल्ड कप में जो रूट और जेसन रे वही काम को अंजाम दे रहे हैं, चाहे पारी पहले शुरू करना या उसको चेस करना, वो बहुत उन्मुक्त होकर खेल रहे हैं, दुनिया के किसी भी गेंदबाज के लिए कड़ी चुनौती है? देखिए, 50 ओवर के क्रिकेट में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ओपनिंग पार्टनरशिप। जी, आप देखेंगे जितने भी एकमात्र सेमीफाइनल की 4 टीमों में न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम थी जिसकी ओपनिंग कमजोरी रही बल्लेबाजी में, किंतु फिर भी वो सेमीफाइनल में आ गए। अदरवाइज भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग सशक्त है, बिल्कुल सशक्त रही, और आपने देखा सेमीफाइनल में भारतीय ओपनिंग पारी भागीदारी नहीं हो पाई तो टीम ही लड़खड़ा गई। तो 50 ओवर के क्रिकेट में ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत महत्व रखती है क्योंकि वो मोमेंटम बना देती है और सामने वाली टीम पे दबाव बनाती है। अगर विकेट पहले 10-12 ओवर विकेट नहीं गिरते हैं, भले ही रन रेट कम हो, किंतु वाइट बॉल जो होती है सफ़ेद बॉल शुरू के 10-12 ओवर ही स्विंग होती है, और आजकल 2 न्यू बॉलों से खेला जाता है, दोनों छोर पे अलग अलग न्यू बॉल रहती हैं, तो 6-7 ओवर दोनों छोर के हो जाते हैं, तो उसके बाद सफ़ेद गेंद में कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है और रिवर्स के लिए सफ़ेद गेंद बन नहीं पाती जिस तरह से लाल रेड बॉल बनती है। तो ज़्यादातर टीमें कोशिश ये करते हैं कि हम शुरू के 10-12 ओवर में विकेट ना खोएं, भले ही रन रेट कम हो। तो आपने देखा होगा पूरे विश्व कप में, मैं सोचता हूँ इंग्लैंड की भी बड़ी सशक्त शक्ति है कि जेसन रॉय और जो बेस्ट हो, दोनों बहुत तगड़े ओपनिंग कर रहे हैं, दोनों बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज हैं, जो रूट बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और नीचे तक उनकी बल्लेबाजी आती है, काफ़ी ऑलराउंडर्स भी हैं टीम पे, और जैसा मैंने पहले कहा कि घरेलू परिस्थितियां भी उनको मदद करेंगी, किंतु हम वनडे क्रिकेट में सिर्फ फेवरेट बोल सकते हैं कि फेवरेट इंग्लैंड रहेगी। यह कहना कि इंग्लैंड जीत जाएगी मैं नहीं सोचता कि उचित होगा क्योंकि न्यूजीलैंड भी अंडररेटेड टीम रही है किंतु वो फाइनल में पहुंच गई है, बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। सर, जैसा कि 1979 में इंग्लैंड की टीम लॉर्ड्स में ही फाइनल खेली थी अपना पहला और हार भी गई थी, वो इंग्लैंड की टीम अपने घर में और लॉर्ड्स के मैदान पर दूसरी बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही है, यहाँ पर एक प्रश्न जन्म ये लेता है कि कोई भी टीम वर्ल्ड कप जैसा फाइनल खेल रही है तो उसे घरेलू परिस्थितियों में घरेलू दर्शकों के सामने खेलने का बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, और क्या इंग्लैंड फायदा उठाने की? देखिए, हर चीज फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, नुकसान तो ज्यादा नहीं होता, किंतु हाँ अपेक्षाओं का दबाव थोड़ा
डिपेंड करता है कि कैसी टीम है, कैसे खिलाड़ी हैं, उन पर आ जाता है कि घरों वो करते हैं, दर्शक उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम जीतेगी, किंतु उसका उसके फायदे बहुत हैं क्योंकि इनकरेजमेंट भी घरों दर्शक अपनी टीम को करते हैं, कंडीशंस आपके फेवर की रहती हैं, आप रोज खेलते रहते हैं उस पर, और जो दूसरी टीमें होती हैं बाहर की अतिथि टीमें उनके लिए कंडीशंस नहीं है, नहीं रहती हैं, और सपोर्ट क्राउड का सपोर्ट उनको इतना नहीं मिलता जितना घरेलू टीम को मिलता है, तो निश्चित रूप से फायदे तो ज़्यादा हैं। और इंग्लैंड जिस तरह से राइट टाइम पे पीक पे आ रही है, आपने देखा होगा शुरू में लीग मैचेस में इंग्लैंड स्ट्रगल कर रही थी और कुछ टीमें जो लीग में अच्छा खेल रही थी वो बाद में स्ट्रगल हो गए, तो अब राइट टाइम पे पीक कर रही है और बड़े आसानी से मैच जीत रहे हैं वो, जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी मारा है, बड़ा वन साइड मैच हुआ सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और जैसे इंग्लैंड और भारत का तो क्लोज मैच हो गया था, न्यूजीलैंड और भारत का, किंतु ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का तो बड़ा वन साइड मैच हुआ। तो वनडे क्रिकेट में देखिए कुछ भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है और उचित नहीं होता कि हम बोल सके, हाँ फेवरेट जरूर बोल सकते कि इंग्लैंड फेवरेट है। सर न्यूजीलैंड ने जैसा कि टीम इंडिया को चौंकाया, आपको लगता है कि इंग्लैंड की चिंता का एक यह कारण हो सकता है? देखिए हर टीम न्यूजीलैंड नहीं, जब कोई भी टीम अगर नॉकआउट में आ रही है और खासकर फाइनल में आ रही है तो उसमें कुछ तो योग्यता है, कुछ तो अच्छाइयां होंगी उस टीम के, कुछ तो गुण होंगे जो इतने दूर तक आ गई, और अब जैसा कि मैंने कहा कि फेवरेट जरूर इंग्लैंड है किंतु न्यूजीलैंड में क्षमताएं कि उलट फेर कर सकती है क्योंकि उनके पास ऐसा गेंदबाजी है, सबसे बड़ी बात है कि उनकी गेंदबाजी ऐसी है जो विकेट टेकेंगे और वो शुरू में स्ट्राइक करके दबाव बना सकते हैं, ऐसी कैपेबल गेंदबाजी है उनकी, किंतु हाँ उनकी भी जैसे कि मध्यक्रम में अगर हम विलियमसन को छोड़ दें तो थोड़ी बल्लेबाजी अभी तक उनकी इतनी बड़े स्कोर नहीं कर पाए न्यूजीलैंड, क्योंकि विलियमसन पे ही टिकी रही है बल्लेबाजी और वो हर अभी तक हर मैच में बनाते आए हैं, पर किंतु जैसा भारत के सेमीफाइनल में हुआ कि विराट कोहली और रोहित शर्मा हर मैच में रन बनाते आ रहे थे किंतु सेमीफाइनल में फेल हो गए तो भारतीय पारी लड़खड़ा गई, तो ये संभावना तो हमेशा बनी रहती है हर टीम के साथ। सर जैसा कि आपने कहा न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी केन विलियमसन को छोड़कर लगभग उस स्तर पर नहीं रही जैसा वो साल भर क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने 548 रन बनाए, जो रूट ने 549 रन बनाए, ऐसा बोल सकते हैं इंग्लैंड के प्रारंभिक बल्लेबाज और जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उन्होंने बहुत आस्थित सफलता अर्जित की है, तो उनके खिलाफ केवल केन विलियमसन का मुकाबला है, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी उनके कंधे में, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं वो। नहीं ऐसा कह देना कि वन मैन शो होगा ये तो हम ठीक नहीं है, उचित नहीं है, देखिए फॉर्म की बात है, कभी भी किसी भी बल्लेबाज का एक मैच में फॉर्म आ सकता है, कभी न्यूजीलैंड को अगर अच्छी ओपनिंग मिल गई तो वो भी अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, तो ये तो सब दिन दिन की बात होती है कि किस खिलाड़ी का फॉर्म, किसी का फॉर्म परमानेंट बाहर नहीं जाता, नहीं खराब नहीं होता है, और फॉर्म आने में एक पारी लगती है, या बॉलर को हो या गेंदबाज हो, एक पारी से आपका फॉर्म आ सकता है जा सकता है। सर यदि न्यूजीलैंड यह वर्ल्ड कप जीत रही है तो उसकी एक क्या खास वजह हो सकती है, जो उसकी खासियत है? देखिए एक वजह से तो नहीं, बहुत सारी चीजें अच्छी दिख रही है न्यूजीलैंड की, एक तो बड़ा अच्छा फाइटिंग है, देख भारत के अगेंस्ट उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की, अगर आप देखेंगे जो निशान ने जो कैच पकड़ा दिनेश कार्तिक का गली में, मैं सोचता हूँ मुझे याद नहीं आता कि मैंने इतना अच्छा बेहतरीन कैच, कोई मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने वर्ल्ड कप में या कहीं देखा इतना अच्छा कैच, और जो आखिरी में जो धोनी को रनआउट किया डायरेक्ट हिट से गप्टिल ने, वो भी आउटस्टैंडिंग एफर्ट था, बड़े डिफिकल्ट एंगल से मार दिया और मैच का एक सेकंड में मैच उस डायरेक्ट हिट से मैच ही बदल गया पूरा। सर इंग्लैंड की टीम अपना राउंड रॉबिन लीग मैच श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ हार गई थी, जो फाइनल में पहुंची है वो, वहां तक आने के बाद उसकी एक कोई कमजोर कड़ी आपको क्या मानते हैं, क्या हो सकती है वो? थोड़ी उनकी जो कमजोर कड़ी होगी वो थोड़ी बल्लेबाजी ही है उनकी, किंतु वो बहुत अच्छे फाइटर हैं, बहुत अच्छा फाइट करते हैं, और देखिए भारत के अगेंस्ट भी सेमीफाइनल में उन्होंने लड़ झगड़ के ऐसा स्कोर खड़ा कर लिया जहां से वो फाइट कर सके, मैच उन्होंने बना लिया, अगर ये 30-40 रन कम होते तो शायद भारत वन साइडेड जीत जाता, किंतु ऐसा स्कोर खड़ा कर लिया जहां से वो अच्छा 50-50 मैच लड़ सके, तो ये बहुत अच्छी उनकी खूबियत है और वो अच्छा फाइट करते हैं, और विलियमसन के रूप में एक बहुत श्रेष्ठ कप्तान उनके पास है जो बहुत अच्छा असेस करते हैं सिचुएशन को, और बड़े विश्वसनीय विश्व स्तरीय बल्लेबाज हैं, सवाल ही नहीं, बिल्कुल टॉप विश्व के 3-4 बल्लेबाजों में है, और उतने ही बेहतरीन कप्तान भी हैं, और वो टीम एक यूनिट बन के खेलती है जो देख के लगता है कि फील्डिंग में एक एक रन के लिए सामने वाली टीम को तरसाती है, और सेम उनका जो बॉलिंग है बड़ी आक्रामक बॉलिंग है, बड़ा अच्छा बॉलिंग करते हैं, हालांकि स्पिनर उनके पास ज़्यादा नहीं है, बड़े जो भी हैं वो बड़े सेंटनर जो हैं वो बड़े टाइट गेंदबाज हैं,
कोई आश्चर्य नहीं हो अगर विकेट विकेट कैसा रहता है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम सोडी जो लेग स्पिनर हैं वो शायद फाइनल में खेल जाएं, तो ये डिपेंड करेगा किस तरह का विकेट है। सर, इंग्लैंड के कप्तान यन मॉर्गन की आप प्रशंसा में कुछ कहें। देखिए, जो फाइनल में टीम आ रही है तो कप्तान का तो कुछ योगदान रहेगा ही। जब टीम, मैं सोचता हूँ जो सेमीफाइनल में चार टीम आई उसमें चारों ही अच्छे कप्तान थे, उन्होंने चारों ने बहुत अच्छी कप्तानी की, मैं सोचता हूँ चारों टीम के कप्तानों ने। मैं ऑस्ट्रेलिया और भारत हार गई, किंतु विराट कोहली और एरोल फिंच ने भी बहुत अच्छी कप्तानी की थी। तो ये तो हार जीत तो हर खेल में चलती है, दिन दिन की बात होती है। हम एनालिसिस कर सकते हैं, पर हम किसी को ये बोलें कि जानबूझ के हार गए तो गलत होगा। हार की निराशा सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को होती है, अगर हमारे को हो रही है, हमारे खेल प्रेमियों को हो रही है, तो उससे ज़्यादा निराशा खिलाड़ियों को होती है खुद को कि वो असफल हो गए या उनने अपने दर्शकों को प्रेमियों को निराश किया। प्रातः स्मरणीय क्रिकेट गुरु संजय जगदाले सर, मैं उन्हें पुनः प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।